हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो खीर, जिसे हम रतालू भी कहते हैं और इसे शक्करकंद भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा लीटर ये दूध लिया है मैंने, इसे गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। एक कप से थोड़ी सी कम मैंने शुगर ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले लें। और ये मैंने स्वीट पोटैटो लिया है 250 ग्राम, यानी कि रतालू। इसे मैंने प्रेशर कुकर में 2 या 3 सीटी आने तक कुक कर लिया था, तो ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके बाद हम इसका जो ऊपर का स्किन है वो रिमूव कर लेंगे। आप इसे नॉर्मल पानी में भी 5-10 मिनट तक अगर बॉईल कर लेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो स्किन रिमूव करने के बाद हम अब एक फोक की मदद से सारे जो स्वीट पोटैटोज़ हैं उन्हें इस तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से कुक हो चुके हैं तो ये आसानी से मैश हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से मैश हो चुके हैं, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक कढ़ाई में दूध को गर्म कर लेंगे। आधा लीटर जो दूध हमने लिया है उसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। दूध यहाँ पे गर्म होना शुरू हो चुका है, हम इसे मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि जो कोनों मलाई जम रही है उसे भी हम इस तरह से मिक्स करके इकट्ठा करेंगे और 10 मिनट तक के लिए दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध यहाँ पे बॉईल हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट पोटैटोस। रतालुओं को हमने पहले से ही उबाल के मैश कर लिया था, तो वो इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये पहले से कुक्ड और मैश्ड है तो ये बिल्कुल भी लम्प्स फॉर्म नहीं होंगे, आप इसे आराम से मिक्स कर सकेंगे। तो 5-10 मिनट में ये पूरी तरह से दूध में घुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्वीट पोटैटोज हैं वो पूरी तरह से इसमें घुल चुके हैं और कोई भी लम्प्स नहीं है इसमें, और जो हमारा दूध है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इसे 5 मिनट तक के लिए और कुक करेंगे हम। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये शुगर। मैं यहाँ 1 कप से कम शुगर ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। क्योंकि यहाँ दूध सिर्फ 1/2 लीटर ही मैंने यूज़ किया है, इसलिए 1 कप से थोड़ी कम शुगर ली है। शुगर ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक के लिए फिर इसे कुक होने रखेंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसे अब हम 7-8 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही हम चेक करेंगे, अगर हमें इसमें स्वीट पोटैटोज के कुछ छोटे रेशे नज़र आ रहे हैं तो इसे हम बड़ी वाली छन्नी से छान लेंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ दाने नज़र आ रहे हैं तो मैं इसे छन्नी में छान लूँगी। स्वीट पोटैटोज़ में छोटी छोटी बारीक नसें होती हैं, जो कि खाते वक्त मुंह में आए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हमने इसे स्ट्रेन कर लिया है। हालांकि इससे टेस्ट में आपको कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा, बस आपकी खीर सिल्की और स्मूथ हो जाएगी। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो इसे हमने अब डिश आउट कर लिया है, आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख दें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, और इसके बाद फ्रिज में रखेंगे 2-3 घंटे, ताकि ये और अच्छे से ठंडी हो जाए। तो 2-3 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में इसे रखे हुए, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी और बहुत ही टेस्टी बन चुकी है। हालांकि ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के, मुझे पर्सनली इस वाली खीर में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। बिना ड्राई फ्रूट्स ऐड करे भी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बस कुछ गुलाब के पत्तियों से इसे मैंने डेकोरेट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसे ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसी लगी। और जाने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।